नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम मौजूद हैं खैर में। आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव होना है और आज यहां पर जो ये लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर आने के बाद किस तरीके का माहौल आगामी उपचुनाव में होने वाला है। क्योंकि जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, 2017-2022 में लगातार विधानसभा चुनाव बीजेपी ने यहां से जीता, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में यहां पर लगभग 1500 वोटों से जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है उसकी हार हुई थी और इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी। अब क्योंकि समीकरण अलग अलग होते हैं विधानसभा के, लोकसभा के और उपचुनाव के भी, यहाँ के जो लोग हैं अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार यहाँ पर क्या होने वाला है। आपका नाम क्या है जी? रामवीर सिंह रावल, प्रदेश अध्यक्ष अहेरिया महासभा। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है चुनाव कैसा रहेगा, किसका माहौल रहेगा यहाँ? बहुत अच्छा माहौल रहेगा, बीजेपी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी पूरी तरह से। बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, पहले भी बीजेपी जीतती रही है और फिर दोबारा से भारी बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? लोग तो कह रहे हैं, मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भैया राष्ट्रीय लोकदल का अगर प्रभाव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है मामला। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल भी बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ ही लड़ रहा है। पूरा राष्ट्रीय दल और बीजेपी दोनों मिलकर के गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं और बीजेपी यहाँ भारी बहुमत से जीतेगी यहाँ से। और आप क्या ये कंफर्म है कि सीट ये बीजेपी को मिलने वाली है? बिल्कुल कंफर्म हूँ। 32,000 एरिया है यहाँ पे और 32,000 में 95% एरिया समाज का भी वोट बीजेपी को ही मिलने वाला है। जी ये बताइए, ये बातें इस तरह की चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जो कार्यकर्ता हैं आपस में मनमुटाव चल रहा है, बीजेपी की अलग बात कर रहे हैं, रालोद की अलग बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आपसी मनमुटाव सभी में होते हैं, थोड़े बहुत जो भी मनमुटाव होते हैं आपस में बैठ के निपटारा कर लिया जाता है, लेकिन यह सीट स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। और हाँ जी, और मैं खुद दावेदारी कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के लिए। टिकट मांग रहे हैं आप? टिकट मांग रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, टिकट के दावेदार भी मिल गए हमें तो आज, ये बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं ये और जीत भी सुनिश्चित बता रहे हैं। जी जी। तो ये अगर लोकदल साथ में नहीं हुआ, आपको नहीं लगता ये मुश्किल हो जाएगा मामला? ऐसा नहीं है सर, लोकदल पूरी तरह हमारे साथ में है, कहीं भी ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। जी देखिए, लोकसभा चुनाव में 1500 वोट से हारे हैं आप, कहाँ पे? इसी खैर विधानसभा पर। नहीं, खैर विधानसभा की उस समय की परिस्थितियां अलग बनी थी, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि विधानसभा खैर में हम भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। ये कहना है कि भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ऐसा इनका मानना है, टिकट के दावेदार भी हैं। कुछ और लोग जो साथी मौजूद हैं इनसे बात करते हैं अब, ये क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या जी? ठाकुर नरेंद्र सिंह तोमर, चंदफरी। ठाकुर साहब, आप बताइए आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, इस चुनाव में तो ठाकुर नाराज थे, लोकसभा चुनाव में नाराज थे, लेकिन वो टिकट न मिलने के कारण, ठाकुरों को टिकट कम मिली इसीलिए नाराज थे। और ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमारे यहाँ माहौल जो है बीजेपी का है, सुरक्षा के दायरे में भी आगे है और जनता की जो भी सुनी जाती है वो बीजेपी में सुनी जाती है। योगी बाबा की सरकार में हर आदमी सुरक्षित है। ये बताइए, जो आरएलडी को साथ में लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही हैं, राष्ट्रीय लोकदल भी यहाँ पर टिकट की दावेदारी कर रही है? टिकट के नहीं साहब, बिल्कुल सम्मिलित है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आप बताइए, देखिए ये जो है भगवा आधारी हैं हमारे साथ में, ये शर्ट पहने हुए हैं, आपका नाम क्या भाई साहब? मुकेश शर्मा। क्या कहेंगे, क्या लगता है माहौल यहाँ का? माहौल बीजेपी के पक्ष में है सर। हाँ जी, पूरे पूरा लोकसभा चुनाव में तो हारे हैं 1500 वोट से, हारे जबकि परिस्थिति जबकि है, अब परिस्थिति और है। पक्की बात बिल्कुल। जातीय समीकरण देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा है जाट बाहुल, ये सीट है, जाटों का ऐसा मानना है कि आरएलडी को सीट नहीं मिली तो वोट नहीं देंगे वो। नहीं, वो तो चलो दोनों जने जैसे भी हैं आपस में, पार्टी की हाईकमान करेगी जैसे भी सीट देगी, ये मैं श्योर हूँ, और भारी बहुमत से जीतने वाले हैं हम। आप तो कहेंगे, आप तो दावेदार हैं टिकट के, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा फिर? आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुंदरलाल है जी, और मैं अलीगढ़ से ही हूँ। और जो है मैं आपको बताऊं कि जो है
कुछ ऐसे काम अभी जो किए हैं बीजेपी ने, जिसकी वजह से विकास की जो स्पीड है काफ़ी तेज़ी से है। जैसे कि अभी ये खैर रोड में सबसे ज़्यादा विकास यदि बात करें तो खैर रोड पर ही हुए हैं, डिफेंस कॉरिडोर इस रोड पर आया है, और इस ट्रांसपोर्ट नगर इस रोड पर आया है। इसके अलावा जेवर हवाई अड्डा इसी रोड से निकल रहा है, और जो है जो खैर का जो विकास है जो बीजेपी सरकार में हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि सिक्स लाइन रोड हो गया। आप देख रहे हैं चौधानिक से आगे जो है ना सिक्स लाइन रोड हो रहा है, तो जो है डेवलपमेंट इस सरकार। ये गांव के लोग ये बोलते हैं, जब मैं गांव में जाता हूं बात करने के लिए तो वो ये बोलते हैं भैया हाईवे का हमारा काम थोड़ी है, जो गांव के रास्ते हैं ये तो बनने चाहिए, ये तो कच्चे ही हैं अभी। देखिए भांति भांति प्रकार के लोग हैं, यदि आप 100 से मिलेंगे तो 10 लोग ऐसे होंगे जो अगेंस्ट भी जाएंगे, लेकिन 90% आपको 95% यही बोलेंगे बीजेपी आनी चाहिए, और हमें भी बीजेपी समर्थक हूँ, बीजेपी ही आनी चाहिए। ये बताइए, ये जो चुनावों में इतना नुकसान हुआ, जाटों ने भर भर के वोट दी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे उनको, उनका कहना है कि भैया हमारी सुनवाई कोई करता नहीं है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो हवा हवाई बात करते हैं, इसलिए हम तो चले गए समाजवादी के साथ में, इस चुनाव में कैसे साधेंगे उनको। जब भी कोई सरकार आगे होती है तो जो विपक्षी जो लोग होते हैं वो बोलते ही हैं, वो जिसको नहीं मिलेगा, अभी जितने सारे दावेदार हैं, अब जिनको नहीं टिकट मिलेगी या जिनको नहीं मिलेगा वो बोलेंगे। जैसे ये भाई साहब हैं ये टिकट मांग रहे हैं, इनको टिकट नहीं मिला तो क्या ये भी देखिए कर देंगे काम? डर तो होता है, काम नहीं करते, लेकिन वोट बीजेपी तो भी बीजेपी को देंगे। 75 साल से वोट देते आ रहे हैं एरिया समाज, पिछले 75 साल से वोट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम समर्थक हैं, इसलिए समर्थक है हम। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहनों की सुरक्षा करती है, माओ की सुरक्षा करती है, बेटियों की सुरक्षा करती है, सुरक्षित माहौल में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं। कह रहे हैं कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, इसी कारण ये भैया देखिए टीका वीका लगाए हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। भैया आप बताइए क्या? हाँ जी, 32,000 एरिया समाज यहाँ पे है खैर विधानसभा में, और पूरे अलीगढ़ में कम से कम 1 लाख वोटर है, लगभग 5 लाख की आबादी है हमारी, लेकिन हमेशा बीजेपी को ही समर्थन करते हैं। अब भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, स्वाभाविक है। टिकट मिले ना मिले, अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी तो क्या हुआ, हम तो सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, काम करेंगे। आपका नाम क्या है जी? विशाल ठाकुर। ठाकुर साहब आप बताइए, ये ठाकुरों की नाराजगी दूर हुई नहीं हुई, पहले तो मुझे ये बताइए आप। ठाकुर तो कबू नाराज ना ये क्या, ये लोकसभा चुनाव में तो ये बंटा धार कर दिया पूरा पार्टी का, कहाँ से लेकर के कहाँ पर लिया ये बताइए। हाँ वो समय के हिसाब से सब ठीक है। अब समय कितना बदल गया? कछु ना बदलो, तो फिर नाराजगी कहाँ, फिर तो नाराजगी तो चलेगी इसमें भी नहीं ना, पूरी चलेगी, चलेगी नाराज है बीजेपी से पूरी पूरी पूरी। क्या करने वाले हैं, तो रैली वैली में गए क्या? महाराज जी की बात समझ में नहीं आई कुछ? महाराज जी कुछ बोले ही ना है समझा भी लग है। अब खैर में स्वास्थ्य सुविधा को तो बुरा हाल है कि 25 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और रात को अगर कहीं कि पेट में दर्द है जाएगा तो वो या तो अलीगढ़ जाएगा या फिर नोएडा जाएगा। एक ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था ना है, 20 बेड को अस्पताल तैयार करवाए मायावती जी के टाइम में, वो आज तक सुचारू रूप से चालू ना है। अल्ट्रासाउंड सतीश गौतम जी ने दियो, वो अल्ट्रासाउंड सेंटर चालू ना है सीएससी खैर में। कोई सुविधा है ना, वो जो आम जन की समस्या और जो एरिया समाज तैयार है, इनकी समाज आज तक शॉर्ट लिस्ट ना है, इनको कार्ड सर्टिफिकेट ही ना बनाए। ये सही है कि हमारे एरिया समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सूचीबद्ध नहीं है, और ये 1947 से है, ये कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस ने जब देश स्वतंत्र हुआ उसी समय ये हमारे समाज को निकाल दिया, 1949 में तक हम एससी में थे, उसके बाद में 50 में आके निकाल दिया, 50 में आने के बाद में बहुत सारी जो 4 जातियां निकाल दी थी उनको बारी बारी से रख लिया, केवल एरिया समाज को नहीं रखा, और उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार वार्ता कर चुके हैं। 10 साल से बीजेपी सरकार केंद्र में है, 7 साल से राज्य में है। पिछली बार मुलाकात हुई थी हमारी, कह रहे हैं सब फर्जी है, पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी, हमारे समाज की भी मुलाकात हुई थी, और वहां जाकर के वार्ता हुई, वार्ता होने के पश्चात ये जितना भी डिफेंस का काम हुआ है सब व्यापारियों के बड़े आदमियों के लिए हुआ है, आम आदमी के लिए क्या हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर क्या हुआ है बताओ। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं किसी की मतलब एक समस्या अगर कोई बुखार भी आ जाए तो वो सीएससी वाले ये कहते हैं कि जो मलखान सिंह जाओ मेडिकल जाओ, और वहाँ डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, दवाई भी नहीं मिलती वहाँ, दवाई भी नहीं मिलती, क्या करेंगे, किसको देंगे वोट, हम तो किसी को भी ना दे रहे। ये क्या ये तो लेकर के घूम रहे हैं, देखिए ये क्या रामवीर सिंह आपके नाम है तो भाई साहब आप बताइए ये क्या, आप तो ये लग रहे हैं इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ इनकी बात का समर्थन यूँ कर रहे हैं कि अगर हमारी समाज की मांग नहीं पूरी हुई तो हमारा दोबारा आंदोलन चालू होगा, और ट्रेन भी रुकेगी और हर काम होगा, और पटरी पे से हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा ऑनलाइन सूचीबद्ध नहीं होंगे
जब तक हम ऑनलाइन सूची बद नहीं होंगे। तो आपके भाई साहब हैं टिकट के दावेदार हैं, इनको टिकट नहीं मिला तब भी कर देंगे आंदोलन? हाँ, उनकी टिकट मांग रहे हैं, वो टिकट मांगने दो, उनके साथ हैं हम, लेकिन हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हाँ, जारू रखेंगे। टिकट ले लिया, विधायक बन गए, फिर तो इन्हीं की टांग पकड़नी पड़ेगी। फिर बीजेपी के खिलाफ कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वोटिंग देंगे हम बीजेपी को, लेकिन अपना आंदोलन भी साथ के साथ जारी रखेंगे। आंदोलन भी जारी रहेगा, बीजेपी का साथ भी देंगे, ऐसा इनका कहना है। आइए इधर आइए भाई साहब, आप ये सीट मिल गई, पहली बात तो ये सुरक्षित सीट है। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ताऊ जी इधर आइए, कहाँ गमछा वमछा लेके घूम रहे, इधर आइए इधर। क्या क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम रवि है, रवि। रवि, हाँ, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हो रहे हैं सब बड़े लोगों के हो रहे हैं, गरीबों का कुछ भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मेरे घर पर जाके देखो, पैर मतलब घोटून तरह चले जाते हैं पानी में। बाकी बड़े लोगों पे मतलब सीमेंटेड सड़क बनी हुई है, और बाकी मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। देखिए ये विकास वाले भाई साहब कहाँ गए, वो अभी कह रहे थे लंबी लंबी सड़कें बनी है। नहीं दिखता जी, इधर आइए आप, आपका नाम क्या है? ये देखिए आप ही के सामने कह रहे हैं भाई साहब, जो परेशान हो गए। आपका नाम क्या है? खमानी राम। इधर को खैर थाने के सामने मेरा मकान है। बाकी एक बात सुन लो कि खैर थाने के सामने अगर जो कोई भी सड़क बननी हो तो मेरे से कह दो, घोटन घोटन पानी भरा हुआ है। मेरी बेटी, मेरे सब बच्चे मतलब पैदल लेकर के जाते हैं, बिल्कुल पढ़ रहे जाते हैं जी। अब ये किस, कोई अच्छी बताएगा कोई बेकार बताएगा, यही ये रैली में। इधर बताइए क्या, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोला पंडित है, गांव कसीसो है। खेड़ से लेके पचेरे तक बहुत अच्छी सड़क बनवाई है। आप बनवाई है जी? आप बताइए आपका नाम क्या है? खमानी राम। क्या लगता है आपको, ये क्या लोग कह रहे हैं कि कुछ किया दर्द है नहीं है, बीजेपी ने कैसे वोट देंगे? देखिए रैली में से आ रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं। हम खुद बीजेपी देंगे, बीजेपी को देंगे। हाँ, लोग तो कह रहे हैं नहीं देंगे, विकास कुछ कराया नहीं है। तो सब की जिम्मेदारी थोड़ा हुआ है, अपनी जिम्मेदारी है, अपनी है। हाँ, हम देंगे। आपके देने से थोड़ी जीत जाएंगे, ऐसे सबकी वोट तो चाहिए। बताइए कैसे? तो एक एक करके सभी कर जाएंगे, एक एक करके तो घड़ा भरेगो, एक एक करके भरे। हाँ, क्या बात, ये सब घड़े वाले हैं। हाँ, सब घड़ा वाले हैं, बीजेपी देंगे डंका ही चूट, डंका की चोट से देंगे। ये बताइए, ये जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जो गठबंधन हुआ है बीजेपी का, ये क्या मतलब, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? जाओ, हम तो योगी बाबा देंगे हम सब गड्ढे में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गड्ढे में जाओ जाओ। देखिए ये बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं भैया सब गड्ढे में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम देंगे योगी बाबा को वोट, ऐसा इनका कहना है। आप आइए इधर आइए भाई साहब, आप आइए। अरे क्या दिक्कत है भैया? मेरा नाम राहुल शर्मा, मैं ग्राम पंचायत मजूपुर सुबगरा से हूँ। क्या लगता है शर्मा जी, ब्राह्मणों का रुख किस तरफ है इस चुनाव में? वोट फॉर बीजेपी, कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, वोट फॉर बीजेपी। और मेरा गांव समसपुर है, ग्राम पंचायत मजूपुर सुबगरा में से। क्या वजह है उसके पीछे? देखो सुनो, वोट ठीक है, अपना जो मन है, अपना जो भी है, वोट फॉर बीजेपी, और मेन चीज बाबा, मेन चीज बाबा, बाबा तो खुश है। और देखो हमारे गांव में, मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष की है, मेरे गांव में 35 वर्ष से लेके आज तक कोई भी विकास नहीं है, 35 वर्ष से लेके आज तक पूरे गांव में कोई विकास नहीं है, ना तो प्रधान का, ना जिला पंचायत का, ना जब वोट देंगे सरकार को, विकास का कहां से होगा विकास? परिणाम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, जब तक सांस है, जब तक आस है, वोट फॉर बीजेपी। ये देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैया काम हो चाहे ना हो, लेकिन बाबा जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, उनके चेहरे पे वोट देंगे। सिर्फ बाबा जी के लिए वोट है, ना किसी कैंडिडेट के लिए नहीं है, किसी कैंडिडेट के वोट नहीं है, सिर्फ बाबा के लिए वोट है, सिर्फ बाबा के लिए, सिर्फ बाबा के लिए। ऐसा मतलब क्या है, बाबा को क्यों वोट देते हैं आप, मुझे वो कारण बताएंगे थोड़ा? नहीं तो आप मुझे पूछ रहे हो, आप किसी से भी पूछ लो, जो यहाँ से लेके जो भीड़ चल रही, सभी से पूछ रहा हूँ। देखो मेन चीज है, बाबा बाबा है, बाबा हमारे बाबा, तुम्हारे बाबा, सबके बाबा, बोले बाबा की जय। आपका नाम क्या भैया? कोई बात नहीं, नहीं नहीं, मेरा मित्र है साहब, ये मजबूर से है, ये मित्र है, ये कह रहे हैं कि ये आप जी, आप बताइए आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहनू, गांव मऊ से हूँ मैं। इधर देखिए, हाँ, मेरा नाम मोहनू, गांव मऊ से हूँ। क्या लगता है इस बार चुनाव में कैसा लग रहा माहौल यहाँ का? हमने चुनाव शुरू, हमने जो वोट है वो शुरू से बीजेपी को दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है मेरी कास्ट अहिरिया है, जो हाथों से भी ट्रेन रुकी थी और बाकी चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, लेकिन ये कास्ट,
ये जो है बीजेपी सरकार अभी तक नहीं सुनती हमारी, और नहीं अभी तक तो कोई सुनवाई हुई। हमने लखनऊ में धरना दिया था, वहाँ भी रहे थे, बोलेंगे तब भी सुनाई। हाँ, और हाथरस से भी हमें ट्रेनें रोकी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया बताओ। और जब भी हमने वोट बीजेपी को दिया है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुनती है, सरकार हमारी वोट नहीं आती, लेकिन फिर भी वोट देंगे बीजेपी को। फिर भी हमने वोट अब के दिया, लेकिन अब की बार अब के देखते हैं। रुको, क्या बाबा जी की रैली में से आ रहे हैं? क्या बाबा जी की रैली में जा रहे हैं? बाबा जी आए अपने लिए, फिर हमारे लिए कुछ बोला है? उनको सिकंदराबाद में आए थे, कहा तो उन्हें करेंगे, प्रस्ताव भेजा, कैंसिल हो गया। क्यों हुआ कैंसिल? कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, अन्याय हो रहा है बताओ। जब से देश आजाद हुआ, जब से हम एससी में थे, लेकिन निकाल दिए बाद में। क्यों नहीं करी सरकार, क्यों नहीं सुनी हमारी? अबे ये तो आया दिया वोट मांगने, हमारे को नहीं करते कुछ, बताइए। अरे अरे आराम, सभी को टिकट देती है। इस बार हमारे प्रत्याशी भी मैदान में हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। सरकार का हक है सभी को। अभी तो यहाँ पर यही लड़ाई हो रही है कि टिकट बीजेपी को मिलेगा या फिर आरएलडी को मिलेगा। उनकी मन मुटाव आपस में है, यहाँ पार्टी के भीतर भी एक अलग ही बात चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किसी का कहना है कि भैया योगी आदित्यनाथ के ऊपर है सब कुछ, उनको वोट देंगे, बाबा के चेहरे के ऊपर वोट देंगे। लेकिन किसी का ये भी कहना है कि अब की बार जो है बदलाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार काम वाम कुछ कर नहीं रही है। खासकर जो स्थानीय नेता हैं उनसे बहुत परेशानी है, और कोई कोई टिकट की दावेदारी भी कर रहा है। अब वो देखने वाली बात है कि क्या होगा आगे क्या नहीं। ये भाई साहब नहीं आए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए, ताऊ जी इधर आइए। क्या नाम है? नाम पृथ्वी सिंह है। क्या लग रहा है चुनाव में, कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, और बीजेपी जीतेगी। हाँ बिल्कुल, आदमी तो कह रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है जीतने का। क्या हाँ, कौन कह रहे हो? कौन कह रहे हो? हम कह रहे हैं। अरे हाँ, इनसे बात कीजिए, ये बताएंगे आपको। ताऊ जी इधर आइए आप। आपका हाँ जी, आरएलडी को सीट नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा रविपाल सिंह। क्या लगता है कैसा माहौल बन रहा? माहौल तो ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कुछ, ये जो बिजली के जो बिल हैं ना, मान लीजिए ट्यूबवेल वाले हैं, समर वाले, वो तो माफ़ कर दिए हैं, लेकिन हमारी जो पब्लिक हैं, जो घरेलू कनेक्शन हैं, उन पर जो बिल बढ़ा दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि इनके लिए कुछ राहत मिलनी चाहिए। ये बताते नहीं है अपने विधायक जी को? ये सुनते उनते नहीं है? ये हमारी बातें सुनते ही नहीं है साहब। क्षेत्र में जब तक ये नहीं सोचेंगे, पब्लिक के संपर्क में नहीं पहुँचेंगे, जब तक हमारी बातें कौन सुनेगा और कैसे हम वहां तक पहुंचाएंगे? हमारा ये फिर भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं विधायक आते नहीं है, कैसे काम होंगे फिर आपके? नहीं नहीं बन जाता है विधायक, कौन पूछ रहे हो यार? विधायक तो कोई वोट नहीं दे रहा, बाबा को वोट दे रहे हैं, केवल बाबा है। और अभी पिछली बार पिछले इलेक्शन में हमारे हाथरस जिले में आए थे कि अहिरिया समाज को हम सूचीबद्ध करेंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और बुलंदशहर जिले में आए, बाबा ने बोला कि अहिरिया समाज को हम सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम फिर भी बीजेपी को वोट देते हैं, अहिरिया समाज 80% बीजेपी को वोट देता है और देता है और देता रहेगा, लेकिन आंदोलन अपना जारी रखेगा। और फिर हम ट्रेन रोकेंगे, और आपके हम बीवी बच्चों सहित ट्रेन पटरी पर पहुंचेंगे, आपके हम हटेंगे नहीं जब तक ऑनलाइन अहिरिया समाज नहीं होगा। अरे सुनिए, आप आइए बहन जी, इधर आइए। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम विकेश है। अरे सुनिए, आपका नाम क्या? अरे भैया क्या जी, आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम विकेश है, और मैं खेड़िया बुर्जुग से हूँ जी। और मेरे साथ जो महिला आई है वो उम्मीद लेकर आई है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, मतलब बुढ़िया हैं, और जैसे औरत हैं, कुछ विधवा हैं, जिन्हें मतलब ये है कि प्रधान के होते हुए भी ना तो उन्हें पेंशन की सुविधा मिल पा रही है, और जो भी योजना आती है उन्हें मिल नहीं पाती है गांव में। जो भी कोई समस्या होती है, बट मैं जो मदद करती हूँ उनकी, तो मुझ पर भी गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये औरत उनकी मतलब मदद क्यों कर रही है, इसका मतलब ये गलत है। आप ये बताइए कि मदद करना कोई गलत है? चलिए देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो साफ साफ ये दर्शाती हैं कि इस बार यहाँ पर जो है माहौल बीजेपी के लिए नहीं रहने वाला है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका कहना है कि अगर वोट जाएगी बीजेपी को तो केवल बाबा के नाम पर जाएगी, लेकिन विरोध यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। और जो अहिरिया समाज यहाँ पर है, तमाम यहाँ पर लोग कह चुके हैं, क्योंकि उनकी लंबे अरसे से एक जो है वो
ख्वाहिश वो पूरी नहीं हो पा रही है और उनको सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है आरक्षण के लिए, इसीलिए वो परेशान हैं और इस बार ये भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो क्या होगा अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बहरहाल जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिय के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।